नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के तीन सबसे विषैले सांप, जहरीला सांप, उस सांप के बारे में, क्योंकि इस महीने में पूरे भारत में सबसे ज्यादा यही तीन ही सांपों से मृत्यु हो रही है। और इसका मुख्य कारण यह है कि पहला तो अभी भी हमारा भारत में आदमी अंधविश्वास झाड़ फूक ओझा का चक्कर में जा रहे हैं। ये ज्यादातर यूपी में हम देख रहे हैं। ये हर दिन मेरा पास 20 से 25 कॉल आ रहा, जो कि सब करे सब काटने के बाद ओझा का पास जब सीरियस हो गए अंतिम समय में वो हमें कॉल करते हैं। तब हम जब उनको सलाह देते हैं, आप डॉक्टर का सलाह ले या एंटीवेनम के द्वारा इलाज करें, तब तक देर हो जाती है दोस्तों। तब आप जो डॉक्टर के पास मृत्यु हो जाता है तो आप डॉक्टर के ही जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसा बात नहीं, स्नैक बाइट कभी भी होता है, आप सबसे पहला जाए डॉक्टर का पास और एंटीवेनम के द्वारा इलाज करें। तो दोस्तों आज हम जो बात करने जा रहे हैं, इंडियन कॉमन करेज रसल वाइपर और तीसरी है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, तीनों सांपों से सबसे ज्यादा अभी मृत्यु हो रही है। लेकिन इंडियन कॉमन करेज जो है, ये सांप जो है अक्सर मिडनाइट को मध्य रात्रि में ये बाइट करता है, और इंसान जब सो जाता है, जो ज्यादा निद में रहता है उसी समय में ये इंसान का बॉडी का गर्मी की ऑब्जर्व करने के लिए बिस्तर में जाता है। उस समय में जाने अनजाने में जैसे पैर हाथ पड़ता है तो बाइट कर लेता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। कारण ये होता है आप निद्रा में रहते हैं। दूसरी बात, जब आपको महसूस होता है पेट में दर्द ऐंठन, तो आप ये तुरंत सबसे पहला आप सोचते हैं कि हो सकता है हमको पेट दर्द हो रहा, खाने में अनपच हो गया होगा, गैस्ट्रिक हो गया होगा या फूड पॉइजनिंग हो गया होगा। आपको तुरंत जो है यही सब तीनों चीज में आप जाता है, आप कभी नहीं सोचते सांप बाइट स्नेक बाइट क्या है। तो दोस्तों आप सभी को हम हाथ जोड़ कर कहता हूँ, अगर सांप को रात को मिडनाइट के आपको अगर अचानक पेट में ऐंठन हो और शरीर में जलन हो, आप सबसे पहला जो है घर में एक बार सर्च कर ले क्या आपका घर में कोई सांप तो नहीं है। उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाए, अगर सांप ना भी मिले तो आप शरीर में एक बार चेक कर ले और डॉक्टर के पास जाए। और कॉमन करेज का सिम्टम यह है, इसका पहला आपको पेट में दर्द होगा, उसके बाद जो आपका शरीर में जलन होगा, सांस लेने में तकलीफ होगा, उसके बाद जो है आपका आंख झपकने लगेगी, उसके बाद अगर इलाज ना हो तो बहुत दिक्कत होगा, आप कोमा में चल जाएंगे 2 से 3 दिन तक। इलाज होने के बाद भी आप कम से कम 2 से 3 दिन तक आप कोमा में रहेंगे, बिना वेंटिलेशन के आपको जान बचाना मुश्किल हो सकता है। उसके बाद ये सांप सबसे बड़ी बात है, अभी कुछ दिन पहले कई घटना घटा है दोस्तों, एक बच्चा को सांप काटा है। वो बच्चा को बाइट करने के बाद यूपी में कोई सती माता का मंदिर है, वो मंदिर में जाके ये लोग सुला देते हैं, और सुलाने के बाद वो बोलते हैं कि आदमी जिंदा होकर आया था, सती माता जिंदा कर देता है। देखिए मैं भगवान के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी हिंदू धर्म में हूँ और धर्म को इज्जत करता हूँ, भगवान को भी हाँ मानता हूँ, लेकिन हर चीज में आप भगवान को मत घसीटे दोस्तों। आप दो तला से कूद जाइए, आप बोलिए भगवान बचाएगा, और आप जानबूझ के आपका पैर टूट जाएगा, आप बोलिएगा हॉस्पिटल नहीं जाना है, मंदिर में जाके बैठिए, आप बोलिएगा मेरा पैर जो प्लास्टर और ये हड्डी जो टूट गया इसको भी आप भगवान जोड़ देगा। तो दोस्तों सबसे पहला अभी भी आप अंधविश्वास में जा रहे हैं, भगवान का जगह अलग जगह। आपका कोई इलाज हो, आपका कोई बीमार है, कैंसर हो गया, किडनी का बीमारी हो गया, शरीर में कुछ भी हो गया, उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाए। क्या ऐसा है कि आपको कोई भी बीमारी हो तो आप जाके मंदिर में बैठते हैं? तो भारत में इतने सारे जो हॉस्पिटल वो क्या कर रहा है, हॉस्पिटल बंद करके हर आदमी मंदिर में जाके इलाज करता है, ऐसा नहीं है। आप जो है सबसे पहला हॉस्पिटल में जाए और इसका इलाज कराए। उसके बाद हम जो कहना चाहता हूँ, रसल वाइपर इंडिया का मोस्ट फेमस रसल वाइपर, ये जब बाइट करता है 2 फ्लैंक्स मार आता है, फ्लैंक्स मार के बाद जो है आपका उस जगह में बहुत तीव्र गति से सूजन होने लगता है, आपका जो हाथ या पैर जहाँ पर वो विकसित होने लगता है, मतलब बढ़ने लगता है। उसके बाद जो है आपको पूरे शरीर जो है धीरे धीरे फटने लगता है। उसके बाद पेशेंट जो है बहुत सांस लेने में तकलीफ होता है, वोमिटिंग होने लगता है। तो इसीलिए रसल वाइपर बाइट करने के बाद आप तुरंत डॉक्टर पास जाए, और एंटी वेनम का साथ साथ इसका जो काटने का बाद नेक्रोसिस होने का डर रहता है उसके लिए भी आप इलाज कराए। 3-4 दिन का इलाज नहीं है ये, 72 घंटे के बाद भी आपसे 10 से 15 दिन तब इसका इलाज होता है। तो दोस्तों इसके बाद स्पेक्टिकल कोबरा जो भारत में ये भी सबसे ज्यादा बाइट करता है, और ये हमारा झारखंड इंडिया में यूपी राजस्थान और बंगाल ये जगह में, और उड़ीसा भद्रक जिले में भी ये स्पेक्टिकल कोबरा बहुत ज्यादा और बड़े परिमाण से मात्रा में होता है। एक एक स्पेक्टिकल कोबरा जो होता है 6 फीट का होता है। तो इसलिए दोस्तों ये आप सबको ये कहता हूँ, अगर कोबरा भी बाइट कर ले तो कोबरा का 80% फॉल्स बाइट होता है।
पहले आप देख ले आपका जगह में हाथ में सूजन या पैर में सूजन हो रहा है कि नहीं। सूजन होने के बाद जो है, अगर सूजन होने लगता है तो आप जो है एक टेबलेट रसल वाइपर कोबरा करे किसी में भी एक पीनक PINAKA एक आयुर्वेदिक हर्बल टेबलेट है, इसको लेके आप डॉक्टरों के पास आए। टेबलेट लेके घर में नहीं बैठे, टेबलेट लेके घर में बैठिएगा तो आपका जान चल जाएगा। तो टेबलेट ले, ये प्राथमिक उपचार सिर्फ है भारत में, और कोई दूसरे कोई दवाई नहीं है एंटीवेनम का सिवा जो आपका सर्वदम से बचा सकता है। जितने भी दवा है सिर्फ प्राथमिक उपचार है, और ये प्राथमिक उपचार से आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकता है, आपका जान नहीं बचा सकता है। जान सांप के जहर से बना हुआ जो एंटीवेनम है उसी से ही जान बचेगा। और लगातार हर शाम में कोबरा में 15 से 20 और ये कॉमन करेंट में 20 से 25 और असल वाइपर में 20, 25, 30 उसमें कितना भी एंटीवेनम लग सकता है दोस्तों। और इसके साथ साथ आप सभी को मैं और फिर से एक बार अनुरोध करता हूं दोस्तों, झाड़ फूंक ओझा का चक्कर में ना रहे, क्योंकि झाड़ फूंक ओझा का चक्कर में रहिएगा जान चल जाएगा। झाड़ फूंक तभी बचाता है जब सांप बाइट करने का आपका शरीर में जहर नहीं इंजेक्ट होता है। हर सांप में हम बताया है कोबरा में फॉल्स बाइट होता है 80% फॉल्स बाइट, 20% रसल वाइपर में कॉमन करद में एक बार भी फॉल्स बाइट नहीं होता है। कॉमन करद जब जितना बार भी काटेगा आपका जहर, कभी कभी होता है ये टीथ जो होता है स्नेक का यहाँ पर होल नहीं होता, जहर इंजेक्ट जहर निकालने का होल नहीं होता, इस साइड में होता, हो सकता है ऊपरी भाग स्क्रैच किया है और ये अंदर में स्क्रैच नहीं किया, इंजेक्ट नहीं हुआ, उस समय में भयनक नहीं जाएगा। उस परिस्थिति में आप करेंट से बच सकते हैं, नहीं तो करेंट में हमेशा आपको बाइट जो है सक्सेसफुल होता है, फॉल्स बाइट नहीं होता। तो दोस्तों आप सब खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। शाम को जब भी निकले एक प्रकाश का इंतजाम कर ले, टॉर्च ले ले, ताकि आप घर में कोई पुराना सामान रहे उसको अपडेट करें, और हमेशा आर कहीं पुराना अगर सामान रखा हुआ उसमें अचानक हाथ मन डाल दीजिए, उसको पहले हिल डोल करा लीजिए, देख लीजिए कि वहाँ पर कुछ है कि नहीं। नहीं तो हमारा बताया हुआ जो दवाई है, जो केमिकल है, गेरानी और देवदार का तेल, दोनों तेल मिक्सर करके एक छिड़काव कर लीजिए, उसका बार देखिए। घर में अगर रात को कोई जूता रखे है या पुराना कोई जूता रखे है उसको भी एक बार सुबह देख लीजिए, झाड़ लीजिए, उसके बाद ही जूता पहनिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ये देखिए आपके सामने ये जो इंडियन कॉमन करेंट है, ये सांप देखने में ब्लैक कलर का और व्हाइट लाइनिंग होता है, पर ये सांप में सबसे ज्यादा जहर ये इंजेक्ट नहीं करता है, सबसे ज्यादा रसल वाइपर इंजेक्ट करता है, ये बहुत कम मात्रा में इंजेक्ट करता है, सिर्फ 1 मिलीग्राम। फिर भी इस सांप से बचना नामुमकिन है अगर ट्रीटमेंट ना हो। और सबसे बड़ी खासियत इसका क्या है, ये रात में मिट दोस्तों यही सांप है इंडियन कॉमन करेंट, इसको अलग अलग लैंग्वेज में कोई सैकड़ा बोलते हैं बिहार साइड में, बंगाल में कालाज, और कहीं पर ये जो है आपको काला चीती बोलता है, कहीं पर करैत बोला जाता है, तो इसका अलग अलग नाम है दोस्तों। इसी सांप के बारे में जो हम कह रहे हैं, बहुत ही मोस्ट वेनोमस इंडिया का और साइलेंट किलर होता है। तो ये आपका रसल वाइपर है, बहुत ही डेंजरस, और इसका जो टीथ होता है बहुत बड़ा, और बाइट करने के साथ साथ ये जो तीव्र गति से दर्द होता है, और ये एक बार में बहुत ज्यादा मात्रा में जहर छोड़ता है, पर इसका फॉल्स बाइट 20% होता है। और यही सांप हमारा भारत में बहुत जगह में पाया जाता है, पर इस सांप को बहुत सारे इसको अजगर के बच्चा समझने लगते हैं, कोई थुथरू कोई बाड़ू अलग अलग नाम से कहते हैं, क्योंकि इस सांप के बारे में बहुत सारे आदमी को अभी तक भी नॉलेज नहीं है, और कभी कभी गलती कर बैठते हैं। कॉमन सेंडवा, रसल वाइपर, अजगर में ये तीनों में डिफरेंसेस जो है बहुत आदमी इसको गलती कर बैठते हैं। दोस्तों यही है स्पेक्टिकल कोबरा, इंडियन स्पेक्टिकल जिसको हम लोग गहुमन के नाम से जाते हैं, और ये सांप भी न्यूरोटॉक्सिन हाईली न्यूरोटॉक्सिन होता है, और ये आपको लगभग 80% लेकिन इसका फॉल्स बाइट होता है, इसलिए ये सांप कभी भी आपको बाइट कर ले तो ये आप नहीं सोचे कि जहर आपका बॉडी में बहुत सारा मात्रा में इंजेक्ट हुआ है, इससे मौत हो सकता नहीं। आप थोड़ा सा देख लें, अगर आपका हाथ में सूजन हो रहा है और बहुत ज्यादा विकसित हो रहा है जल्दी, और त्वचा का रंग बदल जाता है, और उस जगह में उसके साथ साथ जो आज फोफोल आपको जो है वो बाउंटी होने लगता है, और उसके बाद जो है मरीज अगर इलाज ना हो तो दिक्कत होता है,
इंसान का मौत भी हो सकता है दोस्तों। हमारा पूरी वीडियो देखिए।